हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक टेक फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपडेट के बारे में जो कि आया है MI A1 डिवाइस में, जो कि रन कर रहा है करंटली एंड्रॉयड 8.0.0 पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक अपडेट है, वो है अवेलेबल। और अगर आपको यह अभी तक अपडेट नहीं आया है तो इसे सबसे पहले पाने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। फिर वहाँ जाके आपको सर्च करना होगा ऐप्स का, बेसिकली ऐप्स को सर्च करना होगा, फिर स्क्रॉल डाउन करना होगा और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा अदर ऐप्स पे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना होगा और फिर अदर ऐप्स पे क्लिक करना होगा, फिर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा और शो सिस्टम पे क्लिक करना होगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और फाइंड करना होगा एक ऐप को जिसका नाम है गूगल सर्विस फ्रेमवर्क। और उस ऐप को फाइंड करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। बाकी मैं जल्दी से उसे फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फाइंड बेसिकली जो ऐप है वो मैंने फाइंड कर लिया। और गूगल सर्विस फ्रेमवर्क को फाइंड करके आपको क्लियर डाटा पे दबा के ओके पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको अपनी सारी बेसिकली रीसेंट ऐप्स को क्लियर कर देना है और उसके बाद फिर से आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको जैसे आप नॉर्मली चेक करते हो अपडेट्स को सिस्टम में जाके, फिर सिस्टम अपडेट पे क्लिक करके, तो शुरू में एक आएगा कूडन डाउनलोड। फिर आपको अपनी मोबाइल डेटा को इनेबल करना है और फिर से सारी रीसेंट ऐप्स को क्लियर करना है। फिर आप देखोगे जो आपका डिवाइस है उसमें आ जाएगी एक अपडेट जो कि जनवरी के सिक्योरिटी पैच की है। तो गाइस, बस यही था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना कुछ और अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।